हाँ वो तो अच्छा, मैं तो उसको जैकेट में था देखा नहीं। रिलैक्स करो। अच्छा वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, मेरे साथ सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी ASI हैं दिल्ली पुलिस में। सुरेंद्र जी के 2021 के दिसंबर में नेक, इनको हैबिट थी सेल्फ क्रैकिंग की, बार बार गर्दन को मोड़ने की। और एक बार ऐसा ही हुआ कि इन्होंने अपनी गर्दन को ज्यादा स्ट्रेच किया होगा, गर्दन में इनकी दिक्कत रहती होगी और उसके बाद से इनकी गर्दन इस तरह की हो गई है। और सुरेंद्र जी काफी जगह जाके इलाज करा चुके हैं। इसको टॉटी कॉलिस बोलते हैं। टॉटी कॉलिस यूजली कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों में मिलती है और उसका बहुत अच्छे से पूरा इलाज हो जाता है। बट जहाँ गांव देहात में लोगों को पता नहीं होता है, वहीं पे वो बड़ी उम्र में जाके किसी डॉक्टर को मिलते हैं। इसमें प्राइमरी जो देखा गया है, बोटॉक्स का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। बोटॉक्स से मसल जो स्पैजम होता है, मसल टेंशन होती है, मसल टोन होती है, वो काफी कम हो जाती है। बट इन्होंने दो बोटॉक्स मेदांता हॉस्पिटल में लगवा चुके हैं और कोई बहुत ज्यादा आराम इनको नहीं मिला है। अब ये किसी के एडवाइस, किसी के रेफरेंस से मेरे पास में आए हैं। मेरे लिए भी चैलेंज है, मेरे लिए भी कोई, मैं बहुत आराम से कंफर्टेबली बोलूं कि मैं ये चीजें ओवरनाइट बैक पेन की तरह, नेक पेन की तरह ठीक कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मसल अपनी शेप बदल चुकी है, देख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में नेक पूरी तरह से शिफ्ट है। इसका मतलब यह है कि जो इनकी सीधे हाथ की जो स्टेनोक्यूलर मसल्स हैं, यानी कि ये जो मसल्स हैं, ये सारी तनी हुई हैं और ये सारी झुकी हुई हैं। तो मुझे किसी तरह से मेरे इलाज में, जो मेरा जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम होता है हर चीज का, आप देखते हैं समझते, मेरे औजार तो वही रहेंगे जो बाकी पेशेंट्स के साथ मैं यूज करता हूँ, मेरे हाथ, मेरे नेल, मेरे कपिंग, मेरे एडजस्टमेंट का तरीका। बट काम करने का तरीका बदलेगा और ये देखना है कि मैं किस तरह से इनकी राइट साइड की मसल्स को लूज डाउन करता हूँ, लोअर डाउन करता हूँ। ये मेरा वीडियो रेफरेंस के लिए है, ताकि मैं आज से अगले 3-4-5 दिन तक इसको एक कंपाइल करके एक बना सकूँ। आप लोग भी देखते रहें कि मैंने कुछ अचीव की है या नहीं की है। ठीक है, ठीक। अब इनको अंदर लेते हैं, ट्रीटमेंट चालू करते हैं। या You get an access to any other relationship of us, and if you do need any statement or anything like that, for that anytime, let's suppose down the line after 1 year you need something on the loan account, so that will always be available. You can call on the helpline number, you can request for whatever the statement that you need on the closed loan, that will definitely be provided to you. You don't have to worry about that. That's right, I understand. So उसके लिए एक मैं आपको वे आउट बताता हूँ। सबसे पहले तो नाउ यू व्हेन यू कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर, द बैंकिंग करंट अकाउंट नंबर वुड नॉट वर्क, सो यू कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर एंड गो टू द होम लोन डिवीजन विद द लो हेल्प ऑफ द लोन नंबर एंड आस्क देम टू ट्रांसफर योर कॉल टू द करंट बैंकिंग टीम बेसिकली. Then they'll be able to transfer that, and you can let them know about your current account number, and they'll be able to help you out also. And by any chance, if you are near to the branch itself, you can visit to the branch, and you can give your current account number over there, and it can be resolved. So what I would do is, I think I would assume in Bombay, I would any of the Citibank branch, any Citibank branch. ये जब लेते थे सीधे और अब मैं 50% रिलैक्स हो गया हूँ सर, मेरे को रिलैक्स है सर. It's not going to be from the normal sirf hatho se hota hai, it's going to be from the custodian office of ours. Aram se rakho, aram se niche rakho, uthana nahi hai. आपको वीडियो से कोई दिक्कत तो नहीं है? इसे आपको कमाल कर दिया हमारे. नहीं नहीं, मेरा पूछना मेरा हक है. नहीं यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर करना, बट किसकी शेयर कर रहे हैं पूछना तो है ही ना. हमको भी इन्फॉर्मेशन जैसे आपकी यूट्यूब पे डली है, तभी तभी तो हम देख के आए हैं. हाँ, हमारा तो चल कोई देखता ही नहीं है. नहीं, ऐसी बात नहीं है. कितना के बराबर देखते हैं, 1000-1500 व्यूज दिन के आते हैं.
क्योंकि हम एंटरटेनमेंट नहीं दिखाते. अभी दिखा देंगे एक फीमेल मॉडल. So if within 7 to 8 working days time frame, if you do not receive that, please do trouble me. I'll take care of it. Sure. Thank you very much, Mr. Devam. तो किसी अफसर के साथ नहीं रहे सर? मैं सर फील्ड में रहा हूँ. अच्छा, फील्ड में रहे. पुलिसिंग जानते हो? हाँ सर, सारी जानता हूँ. अफसर लोगों को तो पुलिसिंग आती नहीं है. एंड्रोजिगंज में हमारे आए, आप यदि पुराने हो गए तो मेरे आए लेडीज थी, हमारे यहाँ चलान करते थे. अच्छा, नहीं छोटी पुलिस सेंट्रल लॉजिंग है. नाइस. वो तो अच्छा, मैं तो उसको जैकेट में था देखा. ये पिन क्या काम करती है? ये जो टाइटनेस है मसल की, उसका काम करती है लूज करने का. कौन से मेटल की है ये? सर्जिकल मेटल होता है, स्टील बोलते हैं, सर्जिकल स्टील. हाई ग्रेड स्टील होता है. हाई ग्रेड स्टील में ही डिसइंफेक्टेंट होता है, नॉर्मल स्टील प्रोसीजर्स के लिए यूज नहीं होता है. पर्दा में छोड़ देते हैं. बस सो दिस वॉज डे टू. मसल्स सॉफ्ट हुई हैं, एंगल में टिल्टिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है. इनको एक चीज़ करना, गले में इस तरह से मफलर डाल देना ताकि गर्दन जितना खींच के उस तरफ रख सकते हैं. नंदा, तेरे पास वो पड़ा हुआ है गले में पट्टा लगाने वाला? ले ओ. ये रखा है सेम. हाँ, बैठ जाएंगे. हाँ बैठिए. गर्दन घूमी हुई है. अच्छा, अब हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो फिर वही पहुंच जाए सारी मेहनत. ये तो बात सही है. कोई दिक्कत आ रही? इधर तो नहीं जा रही, कंधे पे तो नहीं जा रही. दोनों साइड से आया आज. आज ही दोनों जगह आवाज आई. जॉइंट खुल रहे.
यानी कि कॉलर काम कर रहा है।